आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आने लगा है Redmi Note 8 के यूजर के तरफ से, और बात बाकी जो Redmi Note 7, Note 7 S है और जो डिवाइस है Redmi 6 सीरीज, 7 सीरीज और 8 सीरीज के, और जो Redmi Note 5, Note 5 Pro यूज कर रहे हैं उनके तरफ से ये सवाल आने लगा है कि अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्सनली में और काफ़ी ज़्यादा सवाल आने लगा है। और साथ में दोस्तों Redmi Note 7, Note 7 S और Redmi Note 8 के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, और उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा कल का इवनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे आई बटन पे आप सभी को मिल जाएगा, उस वीडियो को भी थोड़ा प्यार और सपोर्ट कर देना। और उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 7 और Note 7 S के लिए। दोस्तों इन दोनों डिवाइस का जो अपडेट है वो रेडी तो कर दिया गया था हमारी इंडिया में रोल आउट करने के लिए, पर इसे कुछ बग एंड प्रॉब्लम की वजह से डिले किया गया है। यानी कि हो सके तो आप सब इसी नवंबर मंथ के दौरान देखने को मिलेगा, पर हो सके तो एंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 7 S को ग्लोबल में अपडेट पुश किया गया था या कल को, पर ये जो अपडेट है वहाँ पर रोल बैक हो गया कुछ बग एंड प्रॉब्लम की वजह से। तो उसी अपडेट को हमारे इंडिया में भी प्रोवाइड करने वाला था, तो वही अपडेट सेम अपडेट है। तो हमारे इंडिया में सारे बग्स एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही रोल आउट किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 8 के बारे में। तो दोस्तों Redmi Note 8 को फाइनली हमारे इंडिया में MIUI 12 का न्यू स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है न्यू एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच के साथ। जी हाँ दोस्तों, पर ये जो अपडेट है अभी तक 50% यूजर को ही देखने को मिला है, क्योंकि ये जो अपडेट है अब कुछ यूजर के तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इस अपडेट को रोल बैक कर लिया गया है। तो वाकई में इस अपडेट को रोल बैक कर लिया गया है, अब देखना ये है कि इस अपडेट को फिर से रोल आउट कब किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जिन यूजर को मिला है MIUI 12 का अपडेट Redmi Note 8 डिवाइस में, उसके लिए तो बढ़िया है, अदरवाइज जिनको नहीं मिला उन्हें कुछ समय के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो फाइनली रशियन वर्जन में MI8T, जी हाँ दोस्तों MI8T को फाइनली MIUI 12 का न्यू स्टेबल अपडेट 12.0.2.0 का अपडेट देखने को मिला है। उसके बाद अगर आपके पास Redmi 9S रशियन वर्जन डिवाइस है तो इसी डिवाइस को फाइनली MIUI 12.0.2.0 का अपडेट देखने को मिल चुका है। उसके बाद फिर अगर आपके पास अगर Redmi 9 डिवाइस है रशियन वर्जन का, तो इसी डिवाइस को फाइनली MIUI 12.0.3.0 का अपडेट देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल वेरिएंट डिवाइस के लिए, जो ग्लोबल में कौन से डिवाइस के लिए अपडेट देखने को मिला है। तो दोस्तों अभी ग्लोबल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि ग्लोबल में किसी डिवाइस को अपडेट देखने को मिला है या नहीं, पर उम्मीद है कि बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। उसके बाद Redmi 6 सीरीज, 7 सीरीज और 8 सीरीज के बारे में बात करते हैं Redmi Note 5, Note 5 Pro के बारे में। तो दोस्तों इन सभी डिवाइस को जो अपडेट है वो आप सभी को कुछ ही डिवाइस को मिलेगा नवंबर मंथ के दौरान में, ये कन्फर्म नहीं है पर एक्सपेक्ट है। अगर नवंबर में मिलता है कुछ डिवाइस को तो दिसंबर में कुछ डिवाइस को मिल ही जाएगा, मतलब इस साल के एंड में आप सभी को सारे डिवाइस को अपडेट देखने को मिल सकता है। अब देखना ये है कि कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारे थे कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।